आज के वीडियो में बात भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा और गौरव भाटिया की करेंगे। मीडिया डिबेट्स में दोनों ही प्रवक्ता विपक्षी प्रवक्ताओं की आलोचना करते दिखाई देते हैं, पर अब विपक्षी नेता भी उन्हें पलटकर जवाब देने लगे हैं। आज तक पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान पर डिबेट हुई। इस डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता ने संबित के बार बार टोकने पर उन्हें टॉन्ट मारा, जिस पर संबित ने अंजना ओम कश्यप पर सवाल उठाने शुरू किए, लेकिन अंजना ओम कश्यप ने भी सुना दिया। टॉपिक पे अरे मुझे जवाब देने दीजिए ना, आपको मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। जवाब देने दीजिए ना, जवाब क्यों नहीं दे रहे? मुझे अपने शो में और मैं सुनूंगा। आप क्या बोल रहे हैं कि कैसे एंकर है और क्या है? बेवजह की बहस कर रहे हैं आप। ये कौन सा तरीका है बात करने का? आप मुझे बताएंगे कि मुझे किस तरह से बात करनी है? बिल्कुल बताएंगे आपको। आप अगर इस प्रकार की भाषा को अपने शो में अब इनकी दादागिरी चलती है ना, अगर आपको नहीं उन्होंने कुछ ऐसा कहा है तो आप अपनी आपत्ति दर्ज कराइए। न्यूज 18 पर सीएए के मुद्दे पर हुई डिबेट में एंकर ने कांग्रेस के प्रवक्ता को बोलने के लिए कहा, जिस पर प्रवक्ता ने सरकार की आलोचना करनी शुरू कर दी, पर संबित पात्रा ने उन्हें बीच में टोकना शुरू किया, जिसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता ने संबित की क्लास लगा दी। जो प्रधानमंत्री जी 84 घटना पे ट्वीट कर देते थे वो बांग्लादेश पे ट्वीट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, मान लिया चाइना के सामने आपने घुटने टेक दिए, मान लिया बॉर्डर पे कब्जा हो गया मुकेश जी, लेकिन अरे जिन हिंदुओं के नाम पर आप वोट मांगते हो कम से कम एक ट्वीट तो कर देते। आपका डीएनए हिंदू नहीं है, क्या बात करते हैं? ये तो बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। आपका डीएनए हिंदू बनते हैं, बीजेपी का डीएनए हिंदू नहीं है। ओके ओके, बीजेपी भैया हमारा हिंदू डीएनए में लाती है, ये चुनाव के लिए हिंदू को इस्तेमाल करते हैं। लगाए इतना चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। चल ठीक है ठीक है ठीक। देखिए अमीश जी, अरे संबित भाई इतने जोर से चिल्ला, ये तो देश कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। बीच में नहीं बोला साहब कि आप हिंदू, आपका नाम देश है ये मुझे नहीं मालूम के लिए करते हैं। हिंदू मर रहा है बांग्लादेश में, मेरे देश भाई आप सुन तो लीजिए, चुप है। आपके प्रधानमंत्री के मुंह में दही जमी हुई है, आपके गृह मंत्री चुप है। जम्मू कश्मीर में हत्याएं की जा रही है हिंदुओं की, सिखों को मारा जा रहा है और आप चुप है। इनकी आवाज तो बंद करो, आपके पर्दे फट जाएंगे। न्यूज 18 पर एक डिबेट में एंकर ने सवाल गौरव भाटिया से किया, जिस पर गौरव भाटिया विपक्षी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया पर टिप्पणी करने लगे, जिसका अनुराग भदौरिया ने करारा जवाब दिया। इसके बाद दोनों के बीच तीखी बहस हुई। कम से कम अपने बाप को तो गाली मत दो, अपने फादर का तो सम्मान करो, उन्हें क्यों गाली दे रहे हो भाई? वो तो उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा भाई? अपने पिता को गाली दे रहे हो, परिवार वाले आते हैं, वो तो राज्यसभा के सांसद थे, उन्हीं के बेटे आप हो। तोता नहीं, तोता कौन है? नहीं, इनके तोते का तोता कहां से आ गया? तोता कौन होता है भैया? सबको पता तोता कौन है, इसलिए हमें बताओ। तोते, अरे पिंजरा लाओ, फिर आ गया, पिंजरा लाओ, पकड़ इसको, इस बार नहीं जाने देंगे। सबको पता है, अरे तोते ऐसे पर काटेंगे, उड़ नहीं पाओगे। अच्छा बोलते हो, अच्छा आप भी लगातार बोल रहे, पूरी दुनिया जानती है दल बदलू हो, दल बदलते रहते हो, तो दल बदलू का क्या है भाई? अरे आपके पिताजी तो नहीं थे क्या? तेरी तरह आपके पिताजी नहीं थे समाजवादी में? जमीर तो फिर देखिए, नहीं बताओ ना। एक मिनट, मेरे पिताजी की चर्चा कर रहे हैं आपके पिताजी? मैं बताऊं कि किसने अपने पिता का सम्मान नहीं रखा? कि नहीं बताओ ना। नहीं मैं बताऊं किसने अपने पिता से कुर्सी। आज तक पर आर्यन खान के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने सवाल अभिनेत्री डिसूजा से किया, जिस पर उन्होंने भाजपा की आलोचना करनी शुरू की। गौरव भाटिया ने इस पर जवाब दिया, पर अभिनेत्री डिसूजा ने गौरव भाटिया के जवाब से असहमति जाहिर कर फटकार लगाई। आप कह रहे हो कि बीजेपी धर्म, अभी धर्म के लिए नहीं कर, धर्म लेके नहीं आ रही है? बिल्कुल लेके आ रही है। आप अपने आईटी सेल को देखिए, एक दो घंटे पहले मैंने आर्यन के लिए उसके सपोर्ट पे मैंने एक ट्वीट डाला था, उस ट्वीट पे के नीचे आप हर जगह पे देखेंगे शाहरुख गद्दार है, शाहरुख ISI एजेंट है, शाहरुख मुसलमान गद्दार है, ये सब आपकी आईटी सेल कर रही है सर, आपकी बीजेपी की आईटी सेल कर रही है। देखिए डॉक्टर एंड्रिया जी, इस तरह से बेबुनियाद आरोप लगाते हैं कि बीजेपी के लोग ये कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं एंड्रिया जी आज 10-10 रुपए के नोट बांट रही थी उन्हीं ट्रोलर्स को कि 10-10 रुपए लो और ऐसा कुछ लिखो। प्लीज चुप कराइए, प्लीज प्लीज चुप कराइए, ठीक है? एक एक करके अपनी बात रखेंगे। एंड्रिया जी मैं आ रही हूँ आपके पास, गौरव जी अपनी बात पूरी करिए, ठीक है? ठीक है, मैं चुप तब रहूंगी जब आप झूठ, आप मुझे झूठा साबित करने की कोशिश करें, मैं चुप क्यों? ठीक है मैडम, 10-10 रुपए बांट की हूँ अपने ट्रोलर्स को,
तो फिर बात करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।